भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों की फसल क्षतिग्रस्त होने पर बस सरकार पर निर्भर रहता है। तेज बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, ऐसा किसान गण बता रहे हैं। अब बस सरकार से आशा लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिला के चरई क्षेत्र में तेज बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। 24 सितंबर को 33 गांव के किसान संघर्ष समिति के किसानों ने केदारपुर में बैठक रखी और जानकारी में बताया है कि हमारी फसल तेज बारिश से बर्बाद हो गई है और बैठ गई है। किसानों का कहना है कि फसल का बराबर सर्वे राजस्व के द्वारा किया जाना चाहिए। हम सभी किसानगण बहुत चिंतित हैं। हमने पहले भी शासन को ज्ञापन के माध्यम से फसल बर्बादी को लेकर अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं कराया गया है, न ही कोई जानकारी हम किसानों को दी गई। इसलिए 24 सितंबर को पुनर्केदारपुर में बैठक रखी गई और निर्णय लिया गया कि एक बार फिर SDM प्रभात मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम से 30 सितंबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में उपस्थित शिव कुमार दुबे, मंगल बंजारा, घनश्याम सनोडिया, भुवन लाल सनोडिया, राजेश पाठक, गौतम सनोडिया, रवि पटेल, जगदीश सनोडिया, नेत्राम सनोडिया, दिनेश पाठक, रामदयाल सनोडिया, भरत सनोडिया, पंचम सनोडिया आदि किसानगण बैठक में उपस्थित रहे। आज किसान संघर्ष समिति बैठक केदारपुर में सरपंच महोदय घनश्याम सनोडिया के यहाँ लिया गया, जिसमें 33 गाँव किसान यहाँ उपस्थित हुए। हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये था कि फसल 80-90% पूरी चौपट हो चुकी माता जी। हमने बीच में SDM महोदय ज्ञापन भी दिए थे, उनने आदेश भी किए, लेकिन कोई सर्वे का हमको समझ नहीं आ रहा। न प्रशासन साथ दे रहा है और ना कोई पटवारी साथ दे रहा है। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अधिकारी बताएंगे। हमारा निवेदन है और हमारा प्रशासन से भी और किसानों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर फिर पुनः SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारी ये मीटिंग रखी गई। ये किसान संघर्ष समिति के संगम में हमारे रामगढ़ से आए सुकुमार भैया, पहले इन्होंने पानी के नहर के विषय में योजना बनाई, फिर किसान संघर्ष समिति को जोड़े, जोड़ने के बाद में आज हमारे ग्राम केदारपुर कला में फसल बहुत ज़्यादा क्षति हो चुकी है। 70-80% करीब मक्का की फसल क्षति हो चुकी है और करीब यहाँ से 25 गाँव के लोग आए हैं। सब किसान लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के और बातचीत करने के बाद हम पुनः बताए इन्होंने कि SDM साहब को हम लोग ज्ञापन दे चुके थे, पुनः दोबारा हम 30 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं SDM साहब के पास में। जी, हमारे क्षेत्र में मक्का की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, 80% से ऊपर क्षति है। तो हमारे जो किसान संघर्ष समिति है हमारे क्षेत्र की, उसने आज केदारपुर में मीटिंग लेकर सभी लोगों को, 25 गांव के लोग इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया कि 30 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करके प्रशासन को हम हमारी स्थिति से अवगत कराएंगे और स्थिति से अवगत कराने के बाद हम निवेदन करेंगे कि बीमा एवं मुआवजा की राशि हम लोगों को दी जाए। पहले जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद हम ये दूसरी बार प्रशासन से निवेदन करने के लिए, चौरे पहुंचने के लिए निवेदन करने केदारपुर आए हुए थे हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ में। आज किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पंडित शिव कुमार दुबे जी एवं सभी 33 गांव के किसान आज केदारपुर कला में घनश्याम सरपंच सनूरी जी के निवास पर एक किसान संघर्ष समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी समय में जो हमने बैठक मड़ई में किए थे ग्राम पंचायत में, उसको लेकर हम अनुविभागीय अधिकारी को फसल क्षति को लेकर हमने एक ज्ञापन सौंपा था और उसे हमें संतुष्टि दी गई थी कि सर्वे कराकर आपको मुआवजा और बीमा की जानकारी दी जाएगी, परंतु सर्वे रिपोर्ट आज तक किसान तक कोई जानकारी नहीं पहुंचाया और कोई पटवारी किसान के खेत में सर्वे नहीं किया। इस वजह से आज किसान संघर्ष समिति यहाँ 33 गांव की बैठक हुई और सभी 33 गांव के किसान ने निर्णय लिया है कि 30 तारीख को पुनः हम लोग, हमारी जो फसल चौपट हुई है 70-80% जो मक्का की क्षति हुई है, उसको लेकर हम 30 तारीख को SDM साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पूर्णतः तैयारी की है और आगामी समय में हमारी बीमा की जो राशि है और जो मुआवजा है उस हक को मांगने के लिए हम 30 तारीख को चौरी अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुँचेंगे। NBC न्यूज के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।